तो खुद भी गढ़वाली में बोल, खुद तो मैं हिंदी में बोलने वाला हूँ। सब्सक्राइबर कौन बोल दे जरा। नहीं हाँ भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुशिस्वाल। आज है 16th of October। काफी टाइम के बाद मैं घर पे ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि 2 अक्टूबर से मैं केदारनाथ चला गया था, वहां से वापस आया, फिर पूरी सीरीज निकाली, उसके बाद जो फिशिंग वाली वीडियो निकाली वो भी बाहर की निकाली, तो घर में 15 दिन से कोई ब्लॉग नहीं हुआ था। आज फाइनली घर में फिर से कैमरा उठाया और सोचा थोड़ा घर में भी शूट किया जाए। जैसा टाइटल आपने पढ़ी लिया होगा, आज हम एक और पार्टी डिश बना रहे हैं। ये मेरी पार्टी डिशेस का पार्ट 6th होगा शायद। 6th क्या बना रहे हैं आज हम? परमिला, इन्हें परमिला भी बोलते हैं और मीठे करेले भी बोलते हैं। तो परमिला बोलते हैं, परमिला तो बड़ा वैसे सा नाम नहीं हो गया, मतलब जैसे किसी आंटी का नाम होगा। हमारे आस पड़ोस में रहती है कोई परमिला आंटी। बाकी गांव की जो कहानी है परमिला की वो दादी से ही पूछूंगा मैं। मैंने सरसों का तेल डाला है, इसमें डाल रही हूँ मिक्स तड़का, थोड़ा सा जीरा, और इसमें मैंने ऐसे करके प्याज काटे हैं, ये बड़े बड़े ऐसे ही डालते हैं इसमें हम, छोटे छोटे के नहीं, ज्यादा ऐसे ही काटे हुए प्याज अच्छे लगते हैं ना। इसको ना ज्यादा भूनना नहीं है, मतलब इनको लाल नहीं करना इनको। और सब सोचते होंगे लहसुन अदरक का पेस्ट कहाँ है मेरा, कहाँ है, तो ये है मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको मैं ऐसे बना के रखती हूँ, ऐसे नहीं कि तुरंत लहसुन छिली फिर कूटा, ऐसे करके। इसे मैंने डाला है लहसुन अदरक, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, थोड़ी बड़ी इलायची, और इसे मैं थोड़ा सा डालूंगी, भाई बहुत है इतना इसकी सब्जी के लिए। और ये इसे ना एयर टाइट डब्बे में रखो, इससे इसकी खुशबू नहीं जाती है। मार्केट से लेने की जरूरत नहीं है, जो पेस्ट आते हैं मार्केट में उससे लेने की जरूरत नहीं है, ये सही है। इसे बनाओ, ऐसे रखो, और ये अब टमाटर डाल दिए, थोड़ी लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, और ये स्वाद अनुसार नमक। इसको थोड़ी देर रखेंगे, इसे फिर सब्जी डाल देंगे। ये बहुत जल्दी पकती है सब्जी। आज तक सारी सब्जी आपने यही बोला जल्दी पक जाती हैं। तो गांव की सब्जी बहुत जल्दी पकती हैं। तो कब तक रखना है इसे बंद? मसाला 2 मिनट भुनेगा बस, तब हम दूसरी डिश बनाएं। ये स्वीट डिश है क्या? हाँ। नाम तो बता दो सबको, वैसे टाइटल में देख लिया होगा बट स्टिल। ये है झुंघराल, और मैं बना रही हूँ आज झुंघराल की खीर। इसे लोग मसक के चावल भी कहते हैं, मतलब ये व्रत में खाते हैं इसकी खीर ना। व्रत तो कल से है पर मैं आज ही बना रही हूँ। कल से व्रत है? चिकन खाना पड़ेगा आज, तो लोग कल बनाएंगे, तो हम आज ही बना रहे हैं खीर इसकी। मतलब बेसिकली व्रत में खाई जाती है ना। हाँ। तो सही है, लोगों को थोड़ा पता चल जाएगा कि व्रत में ये भी कैसे कैसे बनानी है, कैसे खाते हैं। हाँ, ये भी पता चल जाएगा, और ये पता चल जाएगा कि चलो ये भी बना सकते हैं तो ये भी खाएंगे। हाँ। मैंने पैन रखा हुआ, थोड़ा सा घी डालूंगी मैं इसमें। घी डाल दिया, देखो अब तो गल भी गया सारा घी। एक मिनट और, रेडी है वैसे ये, तब तक मैं इसे डाल देती हूँ। ये घी गल गया है, ये देख मैंने डाल दी है। हम दूध डाल देंगे। जो आपने अभी ये झुंघराल भिगो रखे थे पानी में, वो कितनी देर तक पानी में रखने हैं तो बताया नहीं आपने? मतलब उन्हें धो देना अच्छे से, 10 मिनट उन्हें भिगो के रखो और सॉफ्ट हो जाते हैं। ये भी बहुत जल्दी पकते हैं। क्यों ऐसी क्यों आ रहे? हम चावल की खीर टाइम लगती है इसको बनाने में, ना तो ज्यादा दूध लगता है और ना ही ज्यादा टाइम लगता है इसमें बनाने में। और ये झुंघराल मिलता कहाँ से ये बता दो? बाजार में कहीं भी मिल जाता है, यहाँ तो कहीं भी कोई सी भी दुकान में मिल जाएगा। बाकी देहरादून में खाया आपने कभी? हाँ, मतलब हर जगह में ही मिल जाता है। कौन मिलता है? मैं कह तो रही हूँ कि देसी लोग इसे मसक के चावल बोलते हैं, तो मिलता है भाई बाहर। ओके ओके फाइन। अब ये सब्जी डाल रही हूँ। अब सब्जी हमने मिला दिया, पूरा मिक्स कर दिया हमने मसालों के साथ सब्जी को, और वहाँ पे खीर भी 10-15 मिनट में बनी जाएगी। आप बताओ मम्मी कितने मिनट में बन जाएगी? हाँ 10-15 मिनट में बन जाएगी, अभी 15 मिनट लगेंगे इसे बनने में। सब्जी को सिम आंच पे पकने दो, और वहाँ खीर को ये खोल रही है, देखो हो रही है ना, तो बस ये होती रहेगी। अब मैं इसे चलाती रहूंगी कि नीचे ना लगे। तो ऑलमोस्ट दोनों चीजें बनी गई हैं, अब इसके बाद जब पूरी प्रॉपर दोनों चीजें बन जाएंगी मैं आपको तब दिखाऊंगा। जब तक हमारा ये खाना बनता है तब तक मैं दादी से पूछ लेता हूँ कि उनके टाइम में ये सब्जी को क्या क्या बोलते थे और वो कैसे बनाते थे और कितनी फ्रीक्वेंटली बनाते थे, मतलब बेसिकली हिस्ट्री जानते हैं इन सब्जियों के बारे में उनसे। पकड़ो
कौन सब्जी है? बरमेला, कंकोड़ा, मीठे करेले। और भी छूट गया कुछ नाम? नहीं छूटा, यही है। कंकोड़ा, मीठे करेले, बरमेला। हमारे यहाँ बहुत होते थे, यहाँ था बुनने चन, यहाँ बीज उन्हें डालना, अपने आप उग जाता है। हाँ, अपने आप। तो जब होता है उसका बेल खूब बड़ा फैल जाता है, सितंबर से लगने लगते हैं और रहते हैं नवंबर आखिरी तक, दो तीन महीने रहते हैं। हाँ, फिर सब सूख जाते हैं ना। अब जैसे बारिश नहीं हो रही, ओस पड़ रही, तो बेल जल जाती। जब बहुत होते हैं ना, तो ऐसे की जो सब्जी होती है जो बड़े बड़े हो जाते हैं, अपने आप फट जाते हैं, उनको सुखा देते हैं। सुखाते क्यों है? सब्जी के लिए, फिर सुख सब बोलते हैं उनको। किसी टाइम सब्जी नहीं है, मन कर रहा तो वैसे खा लो, नहीं बनाना है फिर वैसे चौंक चौंक के। तो मतलब परमेला का सुखसा ही बन सकता है। देखो हो गई ना रेडी, हो गई सब्जी, मतलब मुश्किल से 15 मिनट में हो गया ना रेडी दोनों, वो भी रेडी हो गया। रेडी है, देखो कितनी गाढ़ी हो गई, कितनी ज्यादा हो गई। कितने से डाले थे मैंने? बिल्कुल इतने से, आधी कटोरी थे ये। और अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल दी। देख ड्राई फ्रूट डाल दिए, ठंडा होकर और भी गाढ़ा हो जाएगा। अभी मैंने इसे मीठा नहीं डाला, इसे गैस बंद कर देती हूँ। और मीठा डाल रही हूँ गुड़, क्योंकि तेरे को पता है हम गुड़ ही खाते हैं, हम चीनी नहीं खाते हैं। और ये अपने आप गल जाएगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि अगर चलते हुए मैं डाल दो ना अगर गुड़, तो दूध फट जाता है, इसलिए गैस बंद करके तब डालना चाहिए। गैस चल रही है और चीनी डाल दी, तो चीनी डाल दी तो कुछ नहीं होता, पर अगर गुड़ डाल दिया ना चलते हुए दूध में ऐसे, तो फिर दूध फट जाता है। तो इसलिए गैस बंद करो, उसके बाद डालो गुड़। वैसे पहले हमारे यहाँ चीनी से ही बनता था, जो भी बनता था, कुछ सालों से मैंने छोड़ दिया था चीनी बिल्कुल भी। तो उसके बाद से सिर्फ गुड़ से बनता है। चाय बनती है तो उसमें चीनी डालती, कॉफी बनती है कॉफी में चीनी डालती, खीर बनती है खीर में चीनी डालती, किसी में भी चीनी डालते हैं हमारे। ठीक है, डाल रहे हो? कैसे डाल रही हूँ? लुक वाइज तो अच्छा लग रहा है, पर खाने में पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कब खाया था मुझे याद नहीं है ये, इसलिए मेरे लिए भी थोड़ा नया एक्सपीरियंस है कि कैसा होगा ये। इसके बाद अब रात को पापा को और दादी को खिलाएंगे, और दादी से पूछूंगा स्पेशली जो वो पहले बनाती थी, पहले का टेस्ट और अब का टेस्ट में क्या डिफरेंस है, उसमें मजा आएगा देखने में। ये मीठे करेले और परमेला की सब्जी, जो नाम आपको पसंद है वो बोलो। यहाँ पे झुंगराल की खीर है, और यहाँ पे हमारे खाने वाले खा रहे हैं अपना बढ़िया का खाना। अब इनको खाना फिनिश करने दो, फिर आराम से पूछते हैं कि कैसा लगा टेस्ट, और बहुत सारे क्वेश्चन दादी से पूछने हैं, कुछ इंटरनल से वही पूछूंगा थोड़ी देर में। तो दादी कैसी लगी आपको सब्जी? अच्छी लगी। पहले आप अपने टाइम पे खाते थे, उसके हिसाब से कैसी लगी? हमारे टाइम पे रात दिन उसी की सब्जी खाते थे। एक ही सब्जी ना? बहुत होती थी ना, कभी उसकी कभी और थी। नहीं नहीं, टेस्ट टेस्ट बोल रहा हूँ, टेस्ट टेस्ट ठीक था। आपकी बहू का टेस्ट ठीक था मतलब? हाँ, कोई दिक्कत नहीं लगी? ना ना। आपको कैसे लगा? बढ़िया। और झुंगराल की खीर खाई? दादी ने झुंगराल की खीर खाई तो नहीं है, क्योंकि दादी अभी आजकल देखी तो है, देखी है, क्योंकि दादी दूध के प्रोडक्ट्स नहीं खा रही आजकल। पहले तो खूब खाते थे झुंगोरा बना के। आपको कैसा लगा वो खीर? बहुत बढ़िया लगी, सारे खत्म तो हो गए, तो खुद भी गढ़वाली में बोल, तुम्हारे हिंदी में बोलने लगा। ये एक व्लॉग के बाद मैं एक कॉमेडी पोस्ट डालूल, मेरी दादी से जो भी प्रश्न चन तुम पूछ सकदा, तो कम्युनिटी पोस्ट डलोल में जो भी तुम्हारे सवाल चन वो आप पूछ सकता, ठीक छे? सभी जवाब दे देना। चलो बढ़िया, जिसको समझ में नहीं आया जब आप ये ब्लॉग देखोगे तो इसके बाद एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा, वहाँ पे आप लोग अपने सारे क्वेश्चंस लिख देना जो दादी से मेरे को पूछना है। तो मैं दादी के साथ एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें आप सबके क्वेश्चन के आंसर दादी देगी। सब्सक्राइब कर बोल दिया जरा, सब्सक्राइब बोलो बोलो, सब्सक्राइब कर दो। तो फिर अगले ब्लॉग में फिर मिलना, तब तक नवरात्र का पूजा करो और अपने घर में लड़कियों के पैर छुओ। बाय।